हमारी शादी करवा दो अगर हम बड़े हो गए। वो देखो भाई आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग है वो है आज ईद का दूसरा दिन और आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। अब जो है मैं आ गया हूँ फाइनली नाश्ता बनाने, और कुछ बर्तन जो है गंदे हैं ये भी हम ही धोएंगे भाई। बहुत जल्द मेरी वापसी है, बताऊंगा नहीं कि कब वापसी है क्योंकि सरप्राइज देना है घर वालों को। बनाते हैं नाश्ता और फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, टोल राधा। फाइनली जो है अभी हम घर से निकल गए, हम जो है नाश्ता करने के बाद ही डायरेक्ट हम निकल रहे थे, लेकिन अकबर भाई ने बोला कि थोड़ा सा वेट करते हैं, सुबहान की जो है ऑफ हो जाएगी और 4 बजे तक जो है सुबहान आ जाएगा इंशाल्लाह, तो हम उसे पिक करके फिर साथ चले जाएंगे। ईद का दूसरा दिन मुबारक हो करो भैया, आप सबको भी मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। हम आ गए हैं सुधे गावरा क्वीन, हम आए हैं सकूरा देखने, बहुत लेट आ गए यार, मतलब जब ये न्यू निकले थे ना बड़ा वीआईपी होता है, और अभी बहुत ज्यादा कम हो गया, बारिश और हवाएं चली है ना, और अगर बारिश हो गई या फिर हवाएं चली तूफानी तो फिर जो है ये जो है फूल वगैरह गिर जाते हैं। और जिस दिन इनकी ऑफ होती है ना, जैसे सैटरडे संडे वाले दिन, तो ये अपने बच्चों को इधर लेके आते आउटिंग के लिए और यहाँ पर घूमते फिरते हैं। देखिए बच्चे स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। आपको बताते हैं यहाँ पे फिश इतनी सारी होती है, जब आप उसका खाना वगैरह डाले ना तो एकदम सब ना एक दूसरे का लड़ लड़ के आगे वो खाना खाती है। और इस बार आप ना मतलब कुछ बाहर से नहीं ला सकते ब्रेड वगैरह, वरना अगर ये बीमार हो गई या मर गई ना सारा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका अपना खाना है ना, उसकी मशीन लगी हुई है, सही है। ये भी देखें इसका खाना आ रहा है, पैसे डाल दिए, अभी जो इसका खाना भी आ जाएगा, सही। हाँ, 2-3 निकालो के भाई, ताकि हम फिश को जो है खाना डाल सके, सही है। ये इनका खाना है, पहले हम खिलाएंगे इनको दाने और फिर ये जो है बिस्किट खिलाएंगे, तो उनको पता चल गया कि आ गया डालने के लिए खाना, तो ये सब आ गए। हेलो एमला जी, वी आर बैक इन अदर व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब, बोलो बोलो लाइक और सब्सक्राइब करो, बोलो शाबा भाई भाई, ये बोले लाइक और सब्सक्राइब करो, सही है। तो आपने करना है लाइक और सब्सक्राइब, हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ, हाथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम यार कम यार कम यार कम यार, वो देखो भाई ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ ये देखो, वो देखो मुंह कैसा खोल रहा है, सुभान अल्लाह, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो देखो भाई आ गए आ गए, वो देखो सब मेरे पे हंस रहे भाई, हंसने भाई हंसने वाला काम कर रहे हम। चलो भाई हम काम ही जो है, चलो इसको खोलो, पहले जो है हम इसको खोलेंगे, तोड़ तोड़ ऊपर से तोड़ ना, तोड़ दिया भाई कि ये भी हमने इसको तोड़ दिया, सही है, और अभी इसका खाना आ गया, सही है, फिश का खाना आ गया। अब हमने सारे एक साथ रखेंगे, ये देखो इधर दिखाओ इधर दिखाओ, ये दे ओए ओए, ये देखो भाई कैसा लड़ रहा है, सुभान अल्लाह, वो उन्होंने नहीं खाया। हां चलो चलो इधर फेंको, जल्दी जल्दी फेंको, इंतजार कर रहे हैं ये भी। ओए ओए गाइस, सुभान अल्लाह, ये भी अपना बाचा खान का पट होता, सब लेके बैठे होते डोरिया। देखो ये ले तीन है, तोड़ मिक्स कर क्रश कर, हाँ पूरा अच्छा है ना, हाँ अच्छा, उनको नहीं मिल पा रहा ना, ये कौन इधर भी आ जाए, देखिए 2-3 और भी इधर किनारे किनारे पे, और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मछलियों का हम इसी तरह खाना डालते रहे तो फिर मैं एक नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उससे पैसे वगैरह भेजते हैं, हम इनको खाना डालते रहेंगे, सही है। और अभी जो है और ले लेते, एक दो और ले लेते, उधर भी है ना, अच्छा उधर चलता हूँ दूसरी साइड, इधर से ले लो ना, तो वहाँ नहीं है खाना, वहाँ पे खाना नहीं होगा मैं, अच्छा खाना यहाँ से ले लेते हैं फिश का, और वहाँ पे जाके हम डालते हैं इनको, झूले थोड़े खा के फिर चले जाएंगे हम। वो बच्चों के तो हम क्या है बड़े, थोड़ी हम भी बच्चे हैं भाई, हम बड़े हमारी शादी करवा दो अगर हम बड़े हो गए, ये फंस गया सी है। अकबर भाई ने हमें पिक्चर पर क्लिक करके दिए, और अब हम जा रहे भाई फिश को जो है थोड़ा खाना वगैरह डालने, पता नहीं कौन सी साइड लेके जा रहे हैं अकबर भाई, और अकबर भाई बड़ी वीआईपी जगह यार, इधर अगर तस्वीर ले, हाँ चले हम कुछ पिक्चर जो है इस
इस लोकेशन अभी जो है हम क्लिक करेंगे। ये अगर अभी कराची में पाकिस्तान में अगर फेरियल हॉल होता ना, ओए 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 ओए, अभी सारे आशिक पहुंचे होते, यहाँ पर डेटिंग वगैरह भी चल रही होती और शूट अगर भी चल रहा होता तो फटे भी हो रहे होते कि भाई तूने मेरी बंदी को क्यों देखा, तूने मेरी बंदी को क्यों देखा। गेंकी गेंकी दिसका ओए ओए भाई, ये भी जो है फिश को खाना वगैरह डाल रहे हैं सही और एंजॉय कर रहे हैं। एक मिनट, एक अकबर भैया, भैया आप भी कर लें, वो किसी आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो देखो अभी फिश भी आ जाएगी जल्दी, बतख भी खाना खा रही है सही, वो देखो लड़ रही है, वो देखो फिश भी आ गई हैं, अब इनकी लड़ाई है, वो देखो वो देखो सुभान अल्लाह। ये जैसे अपना वो सीवीओ पे हमने उन्हें नहीं किया था याद है, वो गोल वाले पापा, वो तो सुबह सवेरे का टाइम, तो शिकार पे, शिकार से जब लोग आ जाते ना तो कौए और चील उसके लिए आते बगले वगैरह, ताकि उनसे फिश जो है छोटी छोटी वो लेके जाए, तो इसलिए वादे, वरना वैसे नहीं आते सीवीओ पे। चल सही कर, करेंगे दो टुकड़ों में कर दिया सही आज। तो जापान इनका आखिरी स्टेज वो होता है, यहाँ से फिर ये वापस साइबेरिया, वो रही वहाँ पर भी बहुत सारी हैं। इधर दिखा ये देखो भाई, ये जो जैसे हमारे दस्तरखान पर जो रोटियाँ रह जाती है, तो अभी हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा मज़े की बात ये है, ये जो आप कर रहे हो इसकी इजाज़त नहीं, यहाँ पे सफाई वाले हैं, तो ये तो मैं खाना डाल रहा हूँ तो जो भी है यहाँ पे सफाई वाले हैं उनका काम है। चलो ये पकड़ लो। हाय 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 जी हाय, यहाँ पे कुछ डाल लेनी है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पानी आ रहा है ना, वहाँ से जैसे हाँ। पानी आ रहा है तो पानी में कुछ जरात होते या जिस तरह रह जाते कुछ चीजें होती जो यहाँ पे वो कुछ जरात होते, और ये देखो इसकी होशियारी, ये यहाँ से डाल रहे हैं तो वहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं हाँ। तो इधर ये मछलियाँ खटी हुई है जनाब, जिनको भूख लगती है यहाँ पे आई हुई है सही है, और ये जो मेहनत वाली मछलियाँ वो हरामखोर उनको पता है कोई ना कोई आएगा डालने, और ये बच्चे जो है वहाँ पे जाली लगी हुई है तो आगे जा नहीं सकते, तो बच्चे भी यहाँ पर आगे एंजॉय करते फिश के करीब खड़े होकर जो है उसको खाना डालते हैं। चलें जी भी हम जो है थोड़ा पार्क आपको विजिट करवाते हैं, इन्होंने फिर सजाया हुआ बच्चों के लिए फ्लावर्स वगैरह, खूबसूरती की हुई है कि भाई लोग आएंगे घूमने फिरने, तो ये फिर इन्होंने एक्स्ट्रा जो है इसमें वो करके। जापान में सिर्फ जंगली घास खुद की खूबसूरती के लिए ये लोग सब फार्म में लगाते और फिर वहाँ से तैयार ला के इधर लगा देते। वो बिल्ली का पाँव नहीं है, कितनी अजियत है उसको। नहीं भाई इधर बड़े प्रोटोकॉल में होती है, अजियत मजियत नहीं होती है, ये पाकिस्तान में लोगों को अजियत होती है। अकबर ये देख के तो बुनेर याद आ गया, जिधर मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की थी, ओए 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 यहाँ पे एक बार पिक्चर लेंगे भाई, इस लोकेशन पे मुझे लगता है कि पिक्चर हमें जो है क्लिक करनी चाहिए। अरे बिल्ली बेचारी का नेक बाउंड नहीं है सर्दियों में, बिल्कुल सूख जाता है पानी सौरा, बिल्कुल जमीन नजर आती है, अब ये हल्का हल्का पानी जा रहा है सही है जी, जैसे जैसे गर्मियाँ होती जाएगी ये पानी बढ़ता रहेगा, पानी बढ़ता असल में। बिल्ली का हम थोड़ा प्यार कर दें, अच्छा मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूँ, मैं डर रही है, अच्छा अच्छा सही, नहीं निकाल दूँ बस, मानो इसका क्या नाम रखे हम यार, जापानी नाम बताओ इसका कोई, ओए 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 वेट गई साकुरा रख दिया भाई, बिल्ली का नाम हमने रख दिया भाई, पकड़ो मोबाइल, बिल्ली का नाम रख दिया हमने क्योंकि अभी साकुरा है ना, नहीं कर उठा नहीं, ओ गई भाग गई और इंसान जो छोड़ देते बिल्लियों को, अच्छा कुत्ते बड़े शौक से पालते हैं ये लोग, और बिल्लियों इतनी शौक से नहीं पालते, लेकिन हवा चल रही है ना उससे देखिए ये टूट रहा सही है, और ये इन्होंने सजाया ऊपर से ये हवा की वजह से गिर रहा है, और कितना मतलब और लुका रहा है, मिसकाल आ गई ऊपर से, मौसम हो गया बारिश का भाई, बहुत अच्छा यहाँ पे होता, अच्छा यहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं है, साइकिल चला सकते आप, इधर एंजॉय कर सकते, साइकिल चला सकते, स्केटर वगैरह साइकिल चला सकते, बाइक गाड़ी अलाउ नहीं, कितनी बड़ी जगह इन्होंने घेरी हुई है ना,
और ये जो वॉक करने आते ना लोग, तो वो फिर अंदर अंदर घूमते। जब इधर गर्मी में आप आओ ना, हम आए थे जब 2017 में, तब हम इधर आए थे ना, सारे फ्लावर्स फ्लावर्स थे, मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर के, बड़ा खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत जगह थी। जापान की खूबी है कि वो साफ रहते हैं, रखते ये लोग सही है बिल्कुल, और कितना सजाया हुआ इन्होंने, लेकिन ये पानी गंदा इन्होंने रखा। क्यों क्यों? क्योंकि अगर ये चाहे पानी की सफाई कर सकते हैं, लेकिन ये गंदे इन्होंने जानबूझ के रखा है। इधर वो फ्लावर्स निकलते हैं, इधर वो फ्लावर निकलते हैं जिसको बोलते हैं कंवल का फूल। इतना प्यारा लगेगा जब इस जिस जगह ये मतलब पानी है ना, सही है, अगर यहाँ पर सारा कंवल का फूल हो, सही है, और ये साइडों पे फ्लावर्स वगैरह निकले हो, अये हाय सुभान अल्लाह, क्या लोकेशन बनेगी यार, बहुत आउट क्लास जगह बन जाएगी। आप ज़रा इमेजिन करें कि ये इस साइड सारा कंवल के फूल हो, सही है, और ये सारे साइडों पे फ्लावर्स हो, कितना खूबसूरत लगेगा यार। भाई ये जापान है और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लोग, और किसी चीज़ को ख़राब होने नहीं देते, जो चीज़ जैसे ख़राब होती है उससे पहले ही ये लोग उसको ठीक कर लेते हैं, सही है। और एक चीज़ की इन्होंने टाइम रखा हुआ है, जैसे अभी इन्होंने बनाया हुआ है, इनको पता है कि भाई ये 10 साल इसकी वारंटी है, तो ये लोग 9 साल बाद आके इसको चेंज कर देंगे, साल वेट नहीं करेंगे। मैंने सोचा था मैं आऊँगा इधर, लाजमी आऊँगा, इसका भी एक व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन अकबर भाई ने बताया कि भाई ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है, और हम जो है इसे लास्ट में इसका एक व्लॉग बनाएंगे आपके जाने से पहले। जो अभी आप एक साउंड सुन रहे मेरे बैकग्राउंड पर, शाम के 5 बज चुके हैं और जो है सबकी ऑफ हो गई है काम से, सो ये इसलिए पूरे जापान में ये एक अलार्म बजता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, सही है, इससे पता चलता है कि भाई 5 बज चुके हैं और सबकी ऑफ हो चुकी है, स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, एक्स वाई जेड जो जिस जगह काम करते हैं उसकी वहाँ से ऑफ हो जाती है। क्या बात है, सही। अब एक और अलार्म बजता है 4 से 4:30 बजे के दरमियान, वो कहते हैं वो अलार्म जो है इसलिए होता है कि भाई जितने भी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं वो जो है अपने अपने घरों पे चले जाएं, और जैसे कि अपनी मतलब जो इनके अम्मी अब्बू इनको घुमाने पराने लेके आए होते हैं, तो वो जो है अपने बच्चों को घर पे ले जाएं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चे बाहर नहीं घूमें। वो इस वजह से होते हैं कि 5 बजे छुट्टी हो गई है तो उसके बाद यहाँ पर सब ट्रैफिक बढ़ जाता है, रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें बच्चे हैं उनको इतना ख्याल नहीं करते, रोड पे भागना खेलना कूदना बाहर निकल जाना करते, ये सबको अलर्ट किया जाता है, ये माँ बाप के लिए स्पेशल होता है कि बच्चों को बाहर नहीं छोड़ा जाए, स्कूल में अगर कोई बच्चा खेलने गया तो उसको जाके पिक कर ले, इस तरह की कि मतलब माँ बाप अलर्ट रहे बच्चों के हवाले से। सही, देख ले भाई इतनी केयर की जाती है यहाँ पर, दुबई में जैसे बुर्ज खलीफा है इस तरह यहाँ पर, भाई जापान में भी एक बुर्ज खलीफा है, वो देख लें आप क्या लेवल का बुर्ज खलीफा बना है। भाई लोग आते टिकट लेने के लिए और हम जो फ्री में आए हैं, तो जिस जिसको फ्री है बुर्ज खलीफा घूमने वो जापान आ जाए, और जिस जिसको पैसों वाला बुर्ज खलीफा घूमने तो भाई वो ज़रा हट के दुबई चले, सही है ना। अकबर भाई आप फ्री में घूम रहे हो ना? मैं फ्री में जापान आए हैं, मेरे को थोड़ा पैसों वाला घूमने तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे दुबई, इंशाल्लाह। सो अभी हम जा रहे हैं सुभान को लेने, मित्रा भाई जा रहे हैं पाकिस्तान, तो मेरे को मिस करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्या बता किचन के मामले में मिस करूं मैं, किचन में खाना मतलब काम से मिस करेगा ना, वैसे कोई दिल लगी नहीं है भाई के साथ।